एक समझौता आप करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय समझौते जब किए जाते हैं तो जिस तारीख को हस्ताक्षर होता है उससे कुछ समय तक आपको छूट मिलती है। उतने समय में आप तैयारी कर लें अपने देश में उसको लागू करने की। तो भारत सरकार ने 15 दिसंबर 1994 को इसको हस्ताक्षर किया, 10 साल के लिए हमें ग्रेस पीरियड मिला, छूट मिली। वो 10 साल अभी पूरा हो गया 15 दिसंबर 2004 को। 1 जनवरी 2005 से वो सब शर्तें लागू हो जाएंगी जो कुछ गेट करार में है, WTO में है, और उन शर्तों के आधार पर देश का शासन चलेगा, देश की सरकार चलेगी, देश की पूरी व्यवस्था चलेगी। आपके देश की संसद के कहे हुए पर अब इस देश की सरकार नहीं चलेगी। आपके देश की विधानसभाएं अगर कुछ तय करें उसके अनुसार अब सरकार काम नहीं करेगी। अब जो भी सरकारें भारत में आएंगी वो किसी भी राजकीय पक्ष की हो, एक पार्टी की हो, दो पार्टी की हो, तीन पार्टी की हो, या पार्टियों के समूहों की सरकारें हो, उनको वही करना पड़ेगा जो WTO में लिखा हुआ है, विश्व व्यापार संगठन की शर्तों में कहा गया है, या गेट करार की शर्तों में लिखा हुआ है। अब इसकी शर्तें क्या है, शर्तों के बारे में मैं आपसे थोड़ी थोड़ी बात करता हूं। इसमें सबसे गंभीर जो मुझे तकलीफ देती है शर्तें, वो खेती के विषय में है, हमारे देश में किसानों के लिए है। इसमें है एक एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर में 50 से ज्यादा शर्तें हैं लगभग, उनमें से एक दो शर्त की बात करूंगा क्योंकि सब नहीं कर सकता, समय बहुत चाहिए। पहली ही शर्त इसमें यह है कि भारत देश जब भी गेट करार साइन किया उस दिन के बाद जब आपका ग्रेस पीरियड समाप्त हो जाए, तब ग्रेस पीरियड समाप्त हो गया 15 दिसंबर 2004 को, माने 1 जनवरी 2005 इसके लिए शुरू का समय रखा गया। तो 1 जनवरी 2005 से ये शर्तें आपको लागू करनी है। शर्तें क्या है, पहली शर्त ये है, अंग्रेजी में है, बहुत लंबा है, शॉर्ट में सरल भाषा में हिंदी में बात करता हूं। पहली शर्त यह है कि आप 1 जनवरी 2005 के बाद भारत के किसानों को, हमारे देश के शेतकरी बांधवों को मिलने वाली सब तरह की सहायता बंद करिए। सहायता माने सरकार के द्वारा मिलने वाली सहायता। जब भी सहायता की बात की जाएगी तो समाज के द्वारा मिलने वाली सहायता नहीं, सरकार के द्वारा मिलने वाली। तो भारत सरकार से शेतकरी बांधवों को जो सहायता मिलती है 1 जनवरी 2005 के बाद उसको बंद करिए। कैसे बंद करिए, पहले साल में उसमें कटौती करिए 24%, दूसरे साल में जो बची हुई है उसमें कटौती करिए 24%, फिर तीसरे साल में 24%, ऐसे करते करते 6-7 साल में सारी सहायता बंद करिए। ये सहायता क्या है, अंग्रेजी में इसको कहते हैं सब्सिडी, हिंदी में कहते हैं सहायता, सब्सिडी शायद आपको जल्दी समझ में। तो भारत के शेतकरी बांधवों को मिलने वाली सब्सिडी 1 जनवरी 2005 से खत्म करिए, ये है पहली शर्त। शर्त है खत्म करिए, और कैसे खत्म करिए, जो सहायता भारत के शेतकरी बांधवों को मिलती है उसका 24% पहले वर्ष में कम कर दीजिए, दूसरे वर्ष में जो बचा हुआ है उसका 24% कम कर दीजिए, तीसरे वर्ष में, और तो ऐसे करते करते 6-7 वर्ष में पूरा खत्म हो जाए। शेतकरी बांधवों को सहायता क्या है, हमारे देश में दो तरह की सहायता है, एक तो प्रत्यक्ष दूसरी परोक्ष, डायरेक्ट सब्सिडी इनडायरेक्ट सब्सिडी। वो क्या है, हमारा कोई भी शेतकरी बांधव कुछ भी बाजार में बेचने के लिए जब जाता है तो एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स होता है हर चीज का। जैसे कापूस का न्यूनतम समर्थन मूल्य या न्यूनतम खरीदी मूल्य तय होता है सरकार के द्वारा, उसका अर्थ यह होता है कि इस कीमत से कम कीमत पर कापूस नहीं बिकेगी, नियमतः बिकती है वो एक अलग बात है, कहीं 2100 है ऐसा है, लेकिन बिक रहा है 1700 रुपए क्विंटल, हो सकता है अगले साल 1500 पे भी ना बिके, 1400 पे भी ना बिके। तो जो न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया सरकार ने वो एक है, और अंतरराष्ट्रीय मूल्य एक होता है। अंतरराष्ट्रीय मूल्य के बारे में भारत में मैं थोड़ा अध्ययन करता हूं पिछले 8-10 वर्षों से, तो हमेशा मुझे ये लगता है कि अंतरराष्ट्रीय जो मूल्य है उससे भारत में थोड़ा मूल्य ज्यादा ही रहता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो अंतरराष्ट्रीय मूल्य और भारत के मार्केट का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है इसके बीच का जो गैप है वही सरकार की सब्सिडी माना जाता है। अर्थात अगर कोई शेतकरी बांधव अपनी कापूस को अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेचे और वहां पर वो 1700 रुपए क्विंटल बिके या 1500 रुपए क्विंटल बिके, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने 2200 रुपए क्विंटल भाव तय किया है, तो प्रति क्विंटल 700 रुपए सब्सिडी माना जाएगा। ये होती है डायरेक्ट सपोर्ट, डायरेक्ट सब्सिडी।
और ये सभी वस्तुओं में है, कापूस में भी है, गेहूं में भी है, चावल भी है, तुअर भी है, सभी जगह ऐसा होता है। दूसरी तरफ होता है इनडायरेक्ट सपोर्ट। इनडायरेक्ट सपोर्ट क्या होता है कि हम जब भी बाजार से रासायनिक खाद खरीदते हैं, यूरिया, डीएपी, सुपरफॉस्फेट, तो इसका बाजार जो मूल्य है एक शेतकरी के लिए, उसका बाजार मूल्य है 250 से 350 रुपए का 50 किलो। और वही रासायनिक खाद यूरिया, डीएपी, सुपरफॉस्फेट जब फैक्ट्री में बनती है, कारखाने में बनती है, तो उसका उत्पादन मूल्य होता है 500 रुपए का 50 किलो, माने 1000 रुपए क्विंटल के आसपास होता है एवरेज। तो 1000 रुपए क्विंटल में उत्पादन होता है और 500 रुपए क्विंटल में बाजार में वो बिकता है। तो ये जो 500 रुपए क्विंटल का घाटा है ये सरकार उठाती है और ये शेतकरी की तरफ से सरकार देती है खाद बेचने वाली कंपनियों को। इसको बोला जाता है इनडायरेक्ट सपोर्ट। इसी तरह से बिजली है, भारत के शेतकरी को बिजली थोड़ा सस्ते में है और उद्योगपति को थोड़ा ज्यादा है, घर में भी थोड़ा ज्यादा, उद्योग में भी ज्यादा, शेतकरी को थोड़ी सस्ती है। इसी तरह से बीज के क्षेत्र में होता है, बियारण में होता है, सब जगह। तो एक होता है इनडायरेक्ट सपोर्ट, एक है डायरेक्ट सपोर्ट। अब गेट करार की शर्त यह है कि 1 जनवरी 2005 के बाद आप ये सब खत्म करिए, डायरेक्ट सपोर्ट भी खत्म करिए, इनडायरेक्ट सपोर्ट भी खत्म करिए, डायरेक्ट सब्सिडी खत्म करिए, इनडायरेक्ट सब्सिडी खत्म करिए। और भारत सरकार को WTO की काउंसिल ने एक कैलकुलेशन करके अभी भेज दिया है कि एक साल के अंदर आपको कहां कहां सब्सिडी कितनी कम करनी है। तो भारत सरकार ने वो कैलकुलेशन मेरे पास अभी मैंने देखा 2-3 दिन पहले, भारत देश के एक बहुत उच्च स्तर के अधिकारी के हाथ में वो था, बेंगलोर में मैं था, तो उसने मुझे दिखाया कि देखो राजू भाई ये कैलकुलेशन आया है। तो वो कैलकुलेशन में उन्होंने बताया है कि भारत की सरकार 1,16,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी कुल मिलाकर दे रही है अलग अलग मदों में, ये आपको कम करनी है। अब सब्सिडी कम करनी है तो इसका परिणाम क्या है? इसका सीधा परिणाम यह है, सबसे पहला परिणाम यह होगा, यूरिया, डीएपी, सुपरफॉस्फेट की सब्सिडी अगर कम होती है तो उसकी कीमत बढ़ना शुरू होगी। अभी जो मैंने आपसे कहा कि 500 रुपए क्विंटल पे यूरिया बिक जाता है वो 1000 रुपए क्विंटल हो सकता है, और बाजार में जिस तरह से टैक्सेस बढ़ रहे हैं तो वो 1200 रुपए क्विंटल भी हो सकता है। कभी को डीजल पेट्रोल का भाव और बढ़ जाए तो और महंगा हो सकता है, क्योंकि यूरिया, डीएपी, सुपरफॉस्फेट आप जानते हैं पेट्रोलियम बाई प्रोडक्ट है, तो क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ते हैं तो इनका भी कीमत बढ़ने लगता है। तो यूरिया, डीएपी, सुपरफॉस्फेट महंगा होगा सब्सिडी खत्म होने से, एक। दूसरा, जब ये सब्सिडी इनडायरेक्ट खत्म होगी और डायरेक्ट भी खत्म होगी, डायरेक्ट सब्सिडी खत्म होगी तो सरकार जो न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर रही है अंतर्राष्ट्रीय बाजार से थोड़ा ज्यादा, ये नहीं कर पाएगी। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिस कीमत पर कापूस बिक रही होगी वही कीमत पर महाराष्ट्र की सरकार भी कापूस की खरीदी कर सकेगी, थोड़ा भी ज्यादा कीमत पे नहीं ले पाएगी वो। अब मान लीजिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कापूस का भाव 1500 रुपए क्विंटल हो जाए तो अगले साल महाराष्ट्र में भी यही भाव पे सरकार को कापूस खरीदनी पड़ेगी। अगर सरकार ने नहीं खरीदा तो गेट करार का उल्लंघन किया तो आपके खिलाफ मुकदमा चलेगा। मुकदमा चलेगा तो उसके लिए कुछ कंडीशन है कि आपको ये पेनल्टी, ये पेनल्टी, ये पेनल्टी, ये जुर्माना, ये जुर्माना, ये जुर्माना। तो अर्थात कहने का मतलब यह है कि अगले वर्ष से भारत की सरकार किसी भी शेतकरी बांधव को कोई मदद ज्यादा नहीं कर पाएगी, ज्यादा कीमत पे कापूस नहीं खरीद पाएगी, ज्यादा कीमत पे धान नहीं खरीदेगी, ज्यादा कीमत पे गेहूं नहीं खरीदेगी, अंतर्राष्ट्रीय बाजार का भाव जो है ना उसी पे खरीदा जाएगा। अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार का भाव हमेशा गिरा रहता है, मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा गिरा रहता है, क्यों? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अमेरिका और यूरोप की खेती उत्पन्न जितने आते हैं, एग्री प्रोडक्ट्स जितने आते हैं, उन पे सब्सिडी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए उसकी कीमत हमेशा गिरी रहती है। अमेरिका में सबसे ज्यादा सब्सिडी शेतकरी बांधवों को ही मिलती है। एक वर्ष में अमेरिका के शेतकरी बांधवों को लगभग 400 अरब डॉलर की सब्सिडी है, $400 बिलियन। और यूरोप के देशों में भी सबसे ज्यादा सब्सिडी शेतकरी बांधवों को है, जापान में भी सबसे ज्यादा सब्सिडी शेतकरी बांधवों को है। तो उनके देशों में चूंकि सब्सिडी बहुत ज्यादा है, हमारे यहां तो 4 अरब डॉलर के आसपास है, $4 बिलियन भारत में है, अमेरिका में $400 बिलियन है, माने हमसे 100 गुना जास्ती सब्सिडी अमेरिका में है। तो अमेरिका के शेतकरी बांधवों को चूंकि सब्सिडी बहुत ज्यादा है तो अमेरिका के जो एग्री प्रोडक्ट्स हैं, जो खेती से उत्पन्न वस्तुएं हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत सस्ती हैं। यूरोप से जो उत्पन्न वस्तुएं हैं खेती की वो भी बहुत सस्ती हैं। तो उनकी वस्तुएं चूंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वैसे ही बहुत सस्ती हैं और भारत की खेती की वस्तुओं को अगर उसी लेवल पे हम प्राइस कैलकुलेट करने लगेंगे तो सबसे ज्यादा मार खाएगा भारत का शेतकरी।
क्योंकि इसको हर चीज नीचे हो जाए। अभी तो देखिए, अभी प्रकाश बाबू ने कहा, आप भी देख रहे हैं, 1700 रुपए क्विंटल पे कापूस बिक रहा है, अगले साल आप देखेंगे 1200 रुपए क्विंटल में भी नहीं बिके, 1000 रुपए क्विंटल पे भी नहीं बिके, क्योंकि अगले वर्ष से क्या होगा, परदेशी कापूस भयंकर मात्रा में आ जाएगा आपके मार्केट में। अभी तो उसको रोका हुआ है, अगले साल से गेट करार आ जाएगा। गेट करार दो ही चीजों को हटाता है, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन हटाता है और टैरिफ बैरियर कम करता है। तो आप ना तो क्वांटिटी का रिस्ट्रिक्शन लगा पाएंगे, ना ज्यादा टैक्स लगा पाएंगे। तो अभी तो परदेशी कापूस ज्यादा नहीं बिकता भारत में, अगले साल से तो आप देखेंगे अमेरिका का कापूस आ गया, इनका कापूस आ गया, उनका कापूस आ गया, पाकिस्तान का आ गया, थाईलैंड का आ गया, फिलीपींस का आ गया, बर्मा का आ गया, सबका आ जाएगा। तब कापूस का भाव और गिरेगा, क्योंकि तब कापूस का भाव जो तय होगा वो मार्केट के डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी से तय होगा। अभी तय होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस मैकेनिज्म से। डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी क्या कहती है, कोई वस्तु की मांग अगर कम है और उसकी सप्लाई जास्ती है तो कीमत गिरेगी। तो कापूस अगर ज्यादा मात्रा में भारत के बाजार में आया, बाहर से भी आया और यहां से भी उत्पन्न हुआ, तो कीमत उसकी गिरने वाली है, क्योंकि सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है। अब जब कापूस की कीमत गिरेगी तो जो शेतकरी कापूस पैदा करता है विदर्भ का, वो तो बेचारा मार खाएगा। मार कैसे खाएगा, कापूस का उत्पादन खर्च बढ़ेगा, क्योंकि यूरिया डीएपी सुपरफॉस्फेट की कीमत बढ़ी, बियारण की कीमत बढ़ी, पेस्टिसाइड की कीमत बढ़ी, बीज का भाव बढ़ा, तो उत्पादन खर्च तो बढ़ा, मार्केट में प्राइस उसको कम मिलेगा, तो दोहरा नुकसान इसको होगा। तब शेतकरी करेगा क्या, वो सोचेगा कापूस मत करो, कुछ और करो। आपने सोचो कापूस बंद करके गेहूं शुरू किया, गेहूं में भी यही पर समस्या। आप बोलो हम जवारी करेंगे, जवारी में भी यही समस्या। आप बोलो हम ये करेंगे, उसी में भी यही समस्या। और अल्टीमेटली होगा क्या कि इसमें जो बड़ा शेतकरी है वो तो किसी तरह से सस्टेन कर जाएगा, लेकिन जो छोटा शेतकरी है, 5 एकड़ में खेती करता है, 2 एकड़ में करता है, 1 एकड़ में करता है, 2.5 एकड़ में करता है, 3 एकड़ में, वो मारा जाएगा। उसकी कैपेसिटी नहीं है मार्केट में सस्टेन करने की। और भारत में 70% शेतकरी ऐसे ही हैं जिनका खेती बहुत छोटा है, 5 एकड़ से कम खेती वाले 70% शेतकरी है। 30% शेतकरी हैं जिनके पास 70% से ज्यादा, 5 एकड़ से ज्यादा खेती है। तो छोटे शेतकरी इसमें सबसे ज्यादा मार खाएंगे, सबसे ज्यादा तकलीफ उनको होने वाली है। और वो तकलीफ में क्या होगा, फिर वो कहीं से कर्ज लेंगे, कर्ज ज्यादा से ज्यादा होता जाएगा, फिर कर्ज का ब्याज नहीं चुका पाएंगे तो आत्महत्या करेंगे। तो अभी आप रोज अखबार में दुखद समाचार पढ़ते हैं कि आज ये शेतकरी ने आत्महत्या की, किसी ने परिवार सहित। अगले वर्ष से ये ऐसे समाचार आपको और ज्यादा पढ़ने को मिलेंगे। भारत सरकार कहती है कि हर साल लगभग 54,000 शेतकरी देश में आत्महत्या करते हैं, पूरे देश में, सरकार के आंकड़े। लेकिन ये आंकड़े वो हैं जब केस रिपोर्ट होता है, रिपोर्ट ही नहीं होता है तो पता नहीं कितने आत्महत्या करते हैं, माहिती नहीं। अगले वर्ष से इनकी संख्या आप देखेंगे लगातार बढ़ेगी, आंध्रा में भी बढ़ेगी, महाराष्ट्र में भी बढ़ेगी, गुजरात में भी बढ़ेगी, उड़ीसा में भी बढ़ेगी, सब जगह बढ़ेगी। क्योंकि शेतकरी गरीब हो सकता है, स्वाभिमानी बहुत होता है, थोड़ा भी स्वाभिमान को ठेस लगे वो आत्महत्या करना पसंद करता है। व्यापारी हिंदुस्तान का दूसरे तरह का है, व्यापारी का स्वाभिमान वो गिरवी रख के व्यापार करता है। व्यापारी इस देश में आत्महत्या नहीं करता है, सरकारी अधिकारी भी आत्महत्या नहीं करता, पुढ़ारी तो कभी नहीं करता है, आत्महत्या शेतकरी ही करता है। क्योंकि उसका गरीबी तो है लेकिन स्वाभिमान उसका बहुत है, थोड़ा भी स्वाभिमान पे ठेस लगे, इतना ज्यादा स्वाभिमानी है शेतकरी, उसके घर के सामने कोई बैंक वाला आ गया वसूली करने के लिए, यही उसको लगता है बहुत बड़ा अपमान हो गया, अगले दिन सवेरे तेल पिएगा मर जाएगा, या जंतुनाशक पिएगा मर जाएगा, या पुलिस आ गई उसके दरवाजे के सामने कुछ इस तरह का करने के लिए, वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता है। क्योंकि उसको स्वाभिमान सबसे ज्यादा प्रिय है, गरीबी में रहता है लेकिन स्वाभिमान उसने नहीं छोड़ा है। भारत का जो समाज ने स्वाभिमान छोड़ दिया है वो इसमें एडजस्ट कर लेगा WTO में, उसको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, चलो ऐसे नहीं तो ऐसे करो, कैसे एडजस्ट कर लेगा। जो व्यापारी अभी भारत के शेतकरी का कापूस खरीद रहा है वो परदेशी कापूस खरीदेगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो जिंदा रहेगा। उसको अभी भारत के शेतकरी की कापूस नहीं मिलेगी अगले साल से, वो परदेशी कापूस खरीद के बेचेगा। वो भारत के शेतकरी का गेहूं नहीं खरीदेगा, परदेशी गेहूं खरीदेगा। वो भारत के शेतकरी का चावल नहीं खरीदेगा, परदेशी चावल खरीदेगा। तो व्यापारी तो इसमें एडजस्ट कर लेगा, अधिकारी भी एडजस्ट कर लेगा, उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अभी वो स्वदेशी कापूस का कापड़ पहनता, फिर परदेशी का पहनेगा, वो तो कहेगा और अच्छा है, मुझको तो परदेशी कॉटन का कापूस का कापड़ मिलता है तो और अच्छा है। वो परदेशी चावल खाएगा और अच्छा महसूस करेगा, परदेशी गेहूं खाएगा और अच्छा महसूस करेगा।
तो भारत का अधिकारी को भी तकलीफ नहीं है, व्यापारी को भी ज्यादा तकलीफ नहीं आएगी, आएगी वो किसी दूसरे लेवल पे आएगी, यहां नहीं आएगी। और ज्यादा से ज्यादा तकलीफ जो आने वाली है वो शेतकरी बांधव के लिए कि ये एक ही शर्त उसको खत्म कर देगी। और भारत के शेतकरी की ताकत जो है इस समय बिखरी हुई है, शेतकरी बांधवों का संगठन टूट गया है। पहले शेतकरी बांधवों का संगठन होता था महाराष्ट्र में, लेकिन अभी वो खत्म हो गया। वो संगठन के कुछ लोग एक पक्ष में चले गए, कुछ दूसरे पक्ष में चले गए, कुछ तीसरे पक्ष में, अब संगठन कहीं नहीं है। उत्तर भारत में भी एक अच्छा शेतकरी संगठन होता था, वो भी धीरे धीरे टूट गया। तो सबसे ज्यादा मार जिस संगठन को, जिस वर्ग को होने वाली है, वो असंगठित है, इसलिए कोई बड़ा विरोध करने की स्थिति नहीं है और ये तकलीफ आके आने वाली है। ये एक शर्त है गैट करार की, शेतकरी बांधवों के लिए ऐसी 56 शर्तें हैं। दूसरी इसमें शर्त यह है कि भारत में खेती में जो भी उत्पन्न होता है, गेहूं, चावल, चना, कपास, मटर, चीनी वगैरह वगैरह, ये सब कुछ परदेश से कंपलसरी इंपोर्ट करना पड़ेगा, आप उसको रोक नहीं सकते। जैसे हम भारत में मान लीजिए एक वर्ष में 20 करोड़ टन अनाज पैदा करते हैं, तो इसका कुछ हिस्सा परदेश से खरीदना ही पड़ेगा, आपको जरूरत नहीं है फिर भी खरीदना पड़ेगा। कितना खरीदना पड़ेगा? तो इसमें कहा है कि जो आपका मिनिमम कंजम्पशन बेस है उसका 8%, माने हम भारत के लोग एक वर्ष में जितना भी खेती उत्पन्न का वापर करते हैं उसका 8% परदेश से खरीदना पड़ेगा। इसको सरल भाषा में मैं समझाता हूं, अगर सब भारतवासी मिलकर एक वर्ष में 4 करोड़ टन गेहूं खाते हैं तो इसका 8% परदेश से खरीदना पड़ेगा। 1 करोड़ टन का 8% 8 लाख टन, 4 करोड़ टन का 32 लाख टन गेहूं हर साल परदेश से खरीदना पड़ेगा। जबरदस्ती, जरूरत नहीं है फिर भी खरीदो, और फिर पूछो WTO के अधिकारियों से कि क्या करें उसको खरीद के, तो कहते हैं दरिया में फेंको या चूहे को खिलाओ, हमें मतलब नहीं, खरीदो, जबरदस्ती खरीदो, जरूरत नहीं फिर भी खरीदो। ये सेकंड कंडीशन है, इसको मार्केट एक्सेस के नाम से कहा गया। इसमें जबरदस्ती इतना माल खरीदो, गेहूं खरीदो, चावल खरीदो, कापूस खरीदो, संतरा खरीदो, अमरूद खरीदो, केला खरीदो, भाजीपाला खरीदो, जो कुछ भी भारत में होता वो सब परदेश से खरीदो, मिनिमम कंजम्पशन का 8%। तो हर चीज बाहर से आएगी ही आएगी, और यहां भी उत्पन्न होती है तो मार्केट में कीमत गिरेगी, तो उसका सबसे बड़ा नुकसान शेतकरी को होगा। जो खाने वाले लोग हैं वो सोचेंगे हमको फायदा होगा, फायदा कैसे होगा, वो सोचेगा अभी चीज थोड़ी सस्ती हो जाएगी, लेकिन जो खाने वाला है उसको मालूम नहीं है कि एक बार फायदा हुआ, दो बार फायदा हुआ, फिर तुम्हारे पास कुछ खरीदने के लिए पैसा ही नहीं होगा तो खरीदोगे क्या। एक बार आपने सा खरीदा, आपकी खेती खत्म हो गई, फिर आपके पास कुछ है ही नहीं खरीदने के लिए, फिर क्या खरीदेंगे। वो उतनी दूर का उनको दिखाई नहीं देता है, तात्कालिक दिखाई देता है कि सस्ता होगा, तो इसलिए मजदूर संगठन कहते हैं जी सस्ता होगा, इसलिए आने दो परदेशी माल सब कुछ भारत। लेकिन ये जो शेतकरी की बात अगर कोई सोचे तो वो सोचता नहीं कि क्या होगा इससे। तो ये जो कंपलसरी मार्केट एक्सेस प्रोविजन है, जबरदस्ती माल खरीदना पड़ेगा, आपको जरूरत नहीं है फिर भी, ये और भी तकलीफ देने वाला है। ऐसे ही इसमें तीसरी कंडीशन है कि भारत की सरकार, कभी क्या होता है ना, अनावृष्टि होती है, कभी अतिवृष्टि होती है भारत में, तो अनावृष्टि और अतिवृष्टि के समय भारत की सरकार बहुत सारी मदद घोषित करती है, वो मिलती विलती नहीं है, वो एक अलग बात है, घोषित होती है। जैसे कभी शेतकरी बांधवों का ब्याज माफ किया जाए, या उनका कर्ज माफ किया जाए, या उनको कुछ सहायता दी जाए। अभी गैट करार लागू होने के बाद ये भी बंद हो जाएगा। अगर आपके यहां अतिवृष्टि है, अनावृष्टि है, तो इसका सर्टिफिकेट पहले WTO से लीजिए, अगर WTO हां कहता है तो आप सहायता कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। और इसकी सहायता कब की जा सकती है, मान लो हम महाराष्ट्र में घोषित करें कि अनावृष्टि हो गई, अनावृष्टि माने अकाल हो गया, सूखा हो गया, अतिवृष्टि माने बारिश ज्यादा हो गई, पावस ज्यादा, तो मान लीजिए अकाल हो गया, सूखा हो गया। अब महाराष्ट्र सरकार को कुछ घोषणा करनी है शेतकरी बांधवों के लिए, तो WTO से एक कमेटी आएगी, वहां से कुछ लोग आएंगे, वो महाराष्ट्र का दौरा करेंगे, दौरा करके रिपोर्ट WTO में जाएगा, वो हां कहेंगे तो आप घोषित करिए, ना कहेंगे तो नहीं कर सकते। और उनकी घोषणा का आधार क्या है, वो कहते हैं कि जी महाराष्ट्र के सभी पूरे राज्य में सूखा है तो मिनिमम 50% जिलों में होना चाहिए, तब वो हां कहने की स्थिति में होंगे, नहीं है तो नहीं कहेंगे, तो आप घोषित नहीं कर सकते। माने आपको पैसा देना है, आपका बजट है, लेकिन उसमें दखलंदाजी उनकी है जो WTO में बैठे हैं। अभी मुझे महाराष्ट्र में घोषित करना है एक चीफ मिनिस्टर के नाते या प्राइम मिनिस्टर के नाते, तो मैं नहीं कर सकता जब तक WTO का कंसेंट नहीं है, उनकी अनुमति नहीं है, इतनी गुलामी इसमें है।
माने आपकी संसद अगर चाहे तो नहीं घोषित कर सकती, उनको पहले पूछो तब आप कह सकते हो, और वो हां कहें तो कहो, नहीं तो नहीं। ऐसी ऐसी इसमें 56 शर्तें हैं शेतकरी बांधवों के लिए। और सबसे ज्यादा दुखद यही हिस्सा है WTO का, जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान भारत को होने जा रहा है। और मुझे दुख इस बात का है कि हमारी संसद में इस पर कोई बहस नहीं है, कोई चर्चा नहीं है। 1 जनवरी से ये घोषणा हो गई है कि लागू हो जाएगा, और अभी पिछला संसद का सत्र जो बीता है आप देखा उसमें क्या क्या बहस हुई है। ज्यादातर बहस हुई रामविलास पासवान और लालू प्रसाद यादव। रामविलास पासवान ने लालू यादव को चोर कहा, लालू यादव ने रामविलास पासवान को चोर कहा, दो मंत्री एक दूसरे को चोर कह रहे हैं, और कह रहे हैं इसने 800 कोटि इकट्ठा करके स्विस बैंक में रख लिया, वो कहता है इसने 980 कोटि खा के स्विस बैंक में रख लिया। दोनों एक दूसरे की पोल खोल रहे हैं, उसी पे संसद में बहस हो रही है, बहस हो रही है। और इतना तकलीफ वाला WTO लागू होने जा रहा है 1 जनवरी से, उस पर संसद में कोई बात नहीं है, कोई चर्चा नहीं है, कोई बहस नहीं है। हमारी संसद की स्थिति इतनी खराब है। हमने संसद इसके लिए नहीं बनाई है कि दो मंत्री व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करें, इसके लिए तो गली मोहल्ले चौराहे काफी हैं। लेकिन संसद को भी इन्होंने गली मोहल्ले चौराहों से ज्यादा बदतर बना दिया है हमारे देश के पुढ़ारियों ने, और इनको कोई शर्म भी नहीं है। उनको यह भी शर्म नहीं है कि सारा देश टीवी पर देख रहा है। तो अभी वो बहस हो रही है, अभी आगे क्या बहस हो रही है, लालू यादव ने रुपए दे दिए हैं तो वहां बहस शुरू हो गई, जॉर्ज फर्नांडीज ने भी दे दिए वो बहस शुरू हो गई, अखबारों के हेडलाइंस ये हैं, अखबारों के टाइटल ये हैं, अखबार वालों को भी उसी में मजा आता है जो संसद में हो रहा है या संसद के आजू बाजू में हो रहा है। देश मरने जा रहा है, अखबारों को, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू, डेक्कन हेराल्ड जी, अंग्रेजी अखबार वालों को तो कुछ पढ़ा ही नहीं, वो तो इस तरह की बातों पर कोई ध्यान ही नहीं देते। थोड़ा बहुत जो भाषाई अखबार हैं, मराठी अखबार हैं, गुजराती अखबार हैं, तमिल हैं, तेलुगु हैं, कन्नड़ हैं, मलयालम हैं, उनमें थोड़ा बहुत ये सब आता भी रहता है जो गंभीर प्रश्न है। भारत के जिनको राष्ट्रीय अखबार कहा जाता है उनमें तो कुछ है ही नहीं। टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडलाइन उठा के देखो, इंडियन एक्सप्रेस की हेडलाइन उठा के देखो, डेक्कन हेराल्ड की हेडलाइन उठा के देखो आप। अंग्रेजी अखबार तो ऐसा लगता है कि भारत से उनका कुछ लेना देना ही नहीं। भारत के पुढ़ारियों की छोटी छोटी बातें फ्रंट पेज पे बॉक्स में लगा के छापेंगे, और इतना सीरियस इशू है इस पे बात ही नहीं करते, बहस ही नहीं करते। तो क्या है कि भारत का जो गवर्निंग क्लास है, जो देश चलाता, सरकार चलाता, वो तो टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ता, वो तो इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता, वो तो ये डेक्कन हेराल्ड पढ़ता, वो तो ये नहीं पढ़ता हमारा जो स्थानीय अखबार है। गवर्निंग क्लास को लगता ही नहीं कि ये कोई गंभीर बात है, तो वो भी मजे में है, ये भी मजे में। तो संसद में कोई बहस नहीं, मीडिया में चर्चा नहीं, और जितना करोड़ों रुपए खर्चा करके टेलीविजन चैनल चल रहे हैं इस देश में, स्टार टीवी है, जी टीवी है, CNN है, ATN है, प्राइम स्टार है, प्राइम स्पोर्ट्स है, उस पर भी ये कोई चर्चा नहीं है। वहां घंटों घंटों दिखाया जा रहा है सास भी कभी बहू थी, घर घर की कहानी, तेरी मेरी कहानी, उसकी कहानी, इसकी कहानी, और सब कहानियों का एक ही मतलब है, इसका पति उसकी पत्नी के साथ भाग गया, उसकी पत्नी इसके पति के साथ भाग लिया, उसकी पत्नी इसके पति को छीन रही है, इसका पति उसकी पत्नी को छीन रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, वो सभी कहानियों का थीम है। देखते रहिए, उसमें समय बर्बाद करते रहिए, न गेट करार पे कोई चर्चा, न डंकल पे कोई चर्चा, सबसे गंभीर विषय इस पे। और हमारे जैसे लोग उनको बोलते हैं कि भाई इस पे भी कुछ समय दे दो, तुम्हारे पास 24 घंटे के टीवी चैनल हैं, आधा घंटे एक घंटे, वो कहते हैं जी इसको कौन सुनेगा, हमारी सास बहू है, सास बहू की कहानी है, उसको देखने वाले करोड़ों हैं, इस पे हम चर्चा करेंगे कौन सुनेगा, इसलिए इनके लिए कोई महत्व नहीं है, स्पेस भी नहीं। बेचारे लोकल टीवी चैनल वाले कुछ हैं जो कभी कभी की वार्ता दिखा देते हैं, भेंट वार्ता दिखा देते हैं या कुछ कर देते हैं, लेकिन नेशनल टीवी चैनल में तो कोई स्पेस नहीं है इनके लिए। जो ओपिनियन बना सकता है नेशनल टीवी चैनल और जो अखबार ओपिनियन बना सकते हैं, बड़े लीडिंग न्यूज़पेपर जो कहे जाते हैं इस देश के, उनमें ये विषय नहीं है, और हमारी संसद में भी ये विषय, तो अब ये विषय है हिंदुस्तान के साधारण लोगों के बीच में, इसलिए हम आपके पास आए हैं ये बात करने के। और इतनी बात तो मैंने कही, ये WTO के एग्रीकल्चरल सेक्शन की, जिसमें 56 शर्तें हैं, मैंने 3 बताई हैं ऐसी।